बच्चों, आज हम सबसे पहले जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है उस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेते हैं। रिमेनिंग टॉपिक का मतलब होता है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल। हमारा टॉपिक शुरू था हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल, और उस टॉपिक में हमने म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरीज, सेरोसा, ये हमने टॉपिक देखे थे, ठीक है। और उसी में जो म्यूकोसा का एक टॉपिक है वो रिमेनिंग है, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है म्यूकोसा, म्यूकोसा में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी बात करते हैं। एक्चुअल हमने स्टमक की बात हमने कर ली थी इसके पहले, अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो क्या कहते हैं ये, द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर्म अ फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड एज विलाए। ये क्या रहता है, जैसे मैंने आपको अभी जूम मीटिंग में भी समवॉट बताया था कि जो म्यूकोसा होता है एलिमेंट्री कैनल का सबसे इनर मोस्ट लाइन, डेट इज कॉल्ड एज म्यूकोसा। स्पेशली मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की बात कर रहा हूँ, स्टमक की बात नहीं कर रहा मैं। म्यूकोसा कहाँ का, म्यूकोसा स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो फिंगर लाइक होता है, मतलब कुछ इस तरह पाया जाएगा वो, इसी का नाम है फिंगर लाइक। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं विलाए। ये जो आपको ये दिख रहा है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम विलाए कहते हैं। समझ में आया आपको? ओके। द इंटेस्टाइनल विलाए आर लाइन बाय ब्रश बॉर्डर और एपिथेलियल सेल्स हैविंग माइक्रोविलाए एट द फ्री सरफेस। इसका मतलब ये है कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे हैं, जिसे हमने कहा था विलाए, अब ये बनता कैसे है उसकी बात करते हैं। इसके लिए अगर ये एरिया हम जूम करते हैं, स्पेशली ये वाला एरिया, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो सेल हैं, मतलब विलाए में कौन से सेल हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ये जो विला आपको दिख रहा है उछाल, ये कौन से सेल से बना है? तो यहाँ पे जो सेल पाए जाते हैं कुछ इस तरह होते हैं। मैं वाइट कलर में सेल को ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। और इस तरह के सेल होते हैं और उनके ऊपर एक ब्रश बॉर्डर सरफेस रहता है, इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर सरफेस। तो सेल का सरफेस है, ब्रश बॉर्डर है। यहाँ पर भी एक सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप, ब्रश बॉर्डर इनका सरफेस है। इसे मैं कहूँगा ब्रश बॉर्डर क्योंकि ब्रश की तरह रहता है। ये कौन हुआ? ये उसका सरफेस हुआ, क्लियर। और ये सर कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है विलाए के अंदर, मतलब विलाए उससे बना हुआ है, ओके, यस। और ये जो सेल है जिसे हम कहते हैं माइक्रोविलाए, क्या नाम है इस सेल का? माइक्रोविलाए। तो माइक्रोविलाए जो होता है बच्चों, विलाए के अंदर होता है, ओके। तो वन बाय वन बताइए, जो अब ये उछाल है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसका नाम क्या है? विलाए। और उस विलाए के अंदर, उस विलाए के इनसाइड, विलाए के इनसाइड ऑब्वियसली हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा माइक्रोविलाए। और आपको मैं बताऊं, माइक्रोविलाए जो होता है ये सेल की तरह होता है, देख रहे हैं, ब्रश बॉर्डर लाइक सेल, यस। नेक्स्ट, उसके बाद इनका कहना है द विला आर सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड द लिम्फ वेसल कॉल्ड एज लैक्टियल्स। अब ये क्या है भी समझिए, अगर इस तरह का हम विलाए ड्रॉ करते हैं, ओके, तुमने विलाए ड्रॉ किया, इसको हम विलाए कहते हैं। इस विलाए के बीचों बीच आपको ब्लड वेसल मिलेगी, उसमें स्पेशल आपको दिखा देगी कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज है बच्चों, ये जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया ना, यस, वी कॉल इट अ कैपिलरीज। कैपिलरी पता है ना, इट्स अ ब्लड वेसल। तो यहाँ पे आपको मिलेगी कैपिलरीज, सी फॉर कैपिलरीज, ठीक है। और उसके साथ आपको यहाँ मिलेगी लिम्फ वेसल, जिसका नाम है लैक्टियल्स। आपको यहाँ पे लैक्टियल्स भी दिखाई मिलेंगे, लैक्टियल्स को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ब्लू कलर से। तो ब्लू कलर मैंने जो ड्रॉ किया है यहाँ पे, इस ब्लू कलर को मैं कहूँगा यहाँ पे लैक्टियल्स। अब ये लैक्टियल्स क्या है समझिएगा, ये लैक्टियल्स ऐसी वेसल्स है जिनके अंदर फैट होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ये लैक्टियल्स इस तरह की वेसल्स है जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको फैट दिखाई देगा वहाँ पे, यस। तो लैक्टियल्स के अंदर क्या रहता है? फैट रहता है, इसे हम कहते हैं लैक्टियल्स।
याद रखिएगा, लैक्टियल ऐसी वेसल है, ऐसे लिम्फ वेसल है जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, फैट। ओके क्लियर हुआ। हाँ चलो, आपको लैक्टियल्स हुआ, कैपिलरी हुआ, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यूहन। अब ये क्या है समझिएगा, ये जो म्यूकोसा आपको यहाँ पे जो फोल्डिंग दिखाई देता है ऐसे, इस फोल्डिंग को हमें बार बार ड्रॉ करना पड़ रहा है। तो एक्चुअल में ये जो बच्चों ये फोल्डिंग्स रहता है, इसको हमने कहा था विलाय। ये तो आपको समझ में आया था। इस विलाय के एक्चुअली जो ये वाला एरिया है, इसे हम बेस कहते हैं। ये वाला जो एरिया है ना, उसे हम बेस कहते हैं। ये किसका बेस है, विलाय का बेस है ये। अगर किसी ने पूछा कि विलाय का बेस क्या है, तो ये वाला जो है एरिया, ये विलाय का बेस है। ओके यस, यहाँ पे जो है आपको छोटे छोटे वहाँ पे कुछ क्रिप्ट्स मिलेंगे, मतलब वहाँ पे एक गड्ढा सा एरिया मिलेगा आपको, दिख रहा है ये तो गड्ढा सा एरिया है वहाँ पे स्पेशली। ओके वहाँ पे आपको मिलेगा क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरक्यूहन्स। तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरक्यूहन। देखिए ब्लू कलर में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सी लिख रहा हूँ। सी का मतलब है क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरक्यूहन्स। तो पता है ना सी कहाँ पे है, सी बेस वाले एरिया में है, विलाय का जो बेस है वहाँ पे आपको सी दिखाई देगा। इस सी का मतलब होता है क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरक्यूहन्स। समझ में आया। ओके सर, ये क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरक्यूहन जो होता है वहाँ पे एक्चुअली होता क्या है। क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरक्यूहन जो होता है बच्चों, ये एक तरह के ग्लैंड्स रहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। कौन से हम कहेंगे, इट्स अ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। समझ में आया मैंने क्या कहा। तो कौन है ब्लू कलर में, सी है सर। सी का मतलब क्या है, क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरक्यूहन। क्या क्या इसका नाम इसका है सर, मतलब ये क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरक्यूहन कौन है सर, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है ना, जो कुछ जूसेस बनाते हैं, कुछ हॉर्मोन्स बनाते हैं। ओके चलो, ये बात हमें समझ में आ गई, क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरक्यूहन भी इसमें समझ में आया। तो आपको वन बाय वन यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ गई। रेड कलर में क्या ड्रॉ किया था मैंने, रेड कलर में बताइए। रेड कलर में आपने सर कैपिलरी ड्रॉ किया था। ओके वेरी गुड। मैंने वहाँ पे ब्लू कलर में क्या ड्रॉ किया था, ब्लू कलर में मैंने क्या ड्रॉ किया था, ब्लू कलर में सर हमने ड्रॉ किया था लैक्टियल्स। लैक्टियल्स ये वेसल है विथ वैट, ये ऐसी वेसल है जहाँ फैट होता है। ठीक है, मैंने बहुत बार आपसे कहा ये फैट के बारे में, लैक्टियल्स के बारे में। और यहाँ पे सी का मतलब क्या है सर, ये सी जो है वो बेस में रहता है विलाय के, वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है। इसका नाम है सर एक्चुअल में क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरक्यूहन, और वो एक प्रकार के ग्लैंड्स रहते हैं। ओके चलो, ये तो बात हमारी क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पे दिख रहा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये हमारा न्यू टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स करके। ओके तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, 12.3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इस ग्लैंड्स में हमें तीन तरह के ग्लैंड्स पढ़ने पड़ेंगे। एक है सलाइवरी ग्लैंड्स, पढ़ना पड़ेगा, लीवर एंड पेनक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज, ये तीनों ग्लैंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। तो शुरू में हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो और फर्स्ट ग्लैंड्स दैट वी हैव टू स्टडी दैट सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ओके सो देयर आर थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे इसमें तीन पेयर होती है सलाइवरी ग्लैंड्स की, याद रखिएगा, तीन पैर होती है सलाइवरी ग्लैंड्स की, विच ओपन इनटू बक्कल कैविटी। और जो हमारे बक्कल कैविटी में ओपन होते हैं, बक्कल कैविटी का मतलब क्या है, बक्कल कैविटी का मतलब है अपना ओरल कैविटी। जैसे आपको एक तस्वीर दिख रही है यहाँ पे, इस तस्वीर में ये जो एरिया है ये रेड कलर का, इसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी। इसका और एक नाम है ओरल कैविटी, पढ़ा हुआ हमने ये। ठीक है ना, ओके। जहाँ टंग होता है, जहाँ पे टंग है, जहाँ पे टीथ है, पढ़ा है हमने ये। ओके नेक्स्ट, तो ये पता चला कि लगभग तीन पेयर होती है सलाइवरी ग्लैंड्स की जो बक्कल कैविटी में ओपन होते हैं। तो हम वन बाय वन यहाँ पे ग्लैंड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मतलब सलाइवरी ग्लैंड में ये तीन ग्लैंड कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पैरोटिड ग्लैंड्स के बारे में। ये पहला ग्लैंड्स है, इसे सलाइवरी ग्लैंड्स लेकिन पहला टाइप है, और ये होता है इन फ्रंट ऑफ ईयर। मतलब मैं यहाँ पे इसका नाम देना चाहूँगा, ये फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट नंबर मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ, इसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड्स।
पैरोटिड ग्लैंड्स। और कहाँ पे है ये? ये सर इन फ्रंट ऑफ ईयर दिख रहा है, ये कान दिख रहा है आपको? यस दिस ईयर। तो एक्चुअल में ईयर के एग्जैक्टली फ्रंट में रहता है ये, फ्रंट में एग्जैक्टली कौन सा? पैरोटिड ग्लैंड्स, ईयर के आगे रहता है ये। समझ में आया? ओके। दूसरा ग्लैंड यहाँ पे उन्होंने बात की है, उसका नाम है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ये दूसरा ग्लैंड्स है। और ये हमें मिलेगा लोअर जॉज, जो नीचे वाला जबड़ा होता है वहाँ पे होता है ये। तो मैं यहाँ पे दूसरा नंबर लिख रहा हूँ और इसका यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। समझ में आया? ये सेकंड नंबर ग्रीन कलर में ड्रॉ किया मैंने, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड सही है। ओके। तीसरा, तीसरा जो ग्लैंड्स है वो है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स है सब लिंगुअल ग्लैंड्स है, और ये आपको मिलेगा टंग के नीचे, जस्ट बिलो दी टंग, मतलब ये थर्ड नंबर का ग्लैंड्स है, ये वाला ग्लैंड्स है ये थर्ड नंबर। इसका नाम होता है, मैं डायरेक्टली यहीं पे शो कर देता हूँ, सब लिंगुअल ग्लैंड्स। क्लियर? तो कितने प्रकार के ग्लैंड्स हैं यहाँ पे? सलाइवरी के तीन प्रकार है। पहला प्रकार जो है वो पैरोटिड का आपको दिख रहा है, पहला प्रकार ये पैरोटिड है, एक बार इसको लगे तो मिटाते हैं। देखो पहला प्रकार है पैरोटिड ग्लैंड्स जो ईयर के आगे हैं, दूसरा प्रकार है सब मैंडिबुलर जो लोअर जॉ में है, तीसरा प्रकार है सब लिंगुअल जो टंग के नीचे हैं, एग्जैक्टली टंग के बिलो है ना। तो यहाँ से ये सलाइवा क्रिएट करते हैं। Do you know the function of salivary glands? What is main function of salivary glands? Sir, they produce the saliva. इसलिए हमारे oral cavity में saliva घूमते रहता है, यहीं पर saliva जो है वो घूमते रहता है। Okay. Next बात करते हैं अभी। अब इन्होंने ये कहा हमसे कि जो salivary glands रहते हैं वो दो प्रकार के सेल इसके अंदर रहते हैं, salivary gland के अंदर दो प्रकार के सेल रहते हैं। सो जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उसके अंदर दो प्रकार के सेल हैं, एक होता है सीरस सेल, एक होता है सीरस सेल और दूसरा होता है म्यूकस सेल। पहला कौन सा है? सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर दो, सलाइवरी ग्लैंड में दो सेल होते हैं, एक होता है सीरस सेल दूसरा होता है म्यूकस सेल। याद रखिएगा ये जो सीरस सेल है ना, सीरस सेल, इसका सीधा काम रहता है कि वो बनाता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या बनाता है? सलाइवरी अमाइलेज। और सलाइवरी अमाइलेज आपको मैं बताऊँ, ये एंजाइम है, इसे हम नाम देते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। इसका वर्क हम बाद में जानेंगे जब मैं आपको डाइजेशन पढ़ाऊंगा ना, ये कैसे फूड डाइजेस्ट होता है तब बात करेंगे। तो सलाइवरी ग्लैंड में है सीरस सेल, सीरस सेल में है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज एक डाइजेस्ट एंजाइम है। क्लियर? ओके। उसके बाद में म्यूकस सेल, म्यूकस सेल जो होता है बच्चों ये बनाता है म्यूकस, और आपको मैं बताऊँ म्यूकस जो है वो काम करता है ल्यूब्रिकेशन का, ल्यूब्रिकेशन मतलब ऑयली बनाना, फूड को ऑयली बनाना, फूड जितना ऑयली होगा उतना वो सॉलो करने में हेल्प होगा, मतलब फेरिंग्स में भेजने में हेल्प होगा, हम जल्द से जल्द खाने को है ना पुश कर सकते हैं, आगे भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। सलाइवरी ग्लैंड में दो सेल होते हैं, एक होता है सीरस सेल एक है म्यूकस सेल। सीरस सेल में है, सीरस सेल प्रोड्यूस द अमाइलेज, इट्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम, एंड म्यूकस सेल प्रोड्यूस म्यूकस, हेल्प फॉर ल्यूब्रिकेशन। ओके, चलो ये बात आपको समझ में आ गई, इस तरह हमारा एक कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। ओके ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमारा जो पहला ग्लैंड्स है दैट्स कॉल्ड एज सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे फिनिश हो चुका है। आपको ये सलाइवरी ग्लैंड में जो तीन टाइप आते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, एंड लास्टली हमने पढ़ा था सब लिंगुअल ग्लैंड्स, वो पढ़िए। ये जो आपको सीरस सेल म्यूकस सेल दिख रहा है ये भी अच्छे से पढ़िए, ठीक है? और बाकी कोई डाउट निकलता है इनमें से तो हम डिस्कस करेंगे जूम मीटिंग में, ठीक है बच्चों? और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लीवर के बारे में। गॉट इट? ओके।